बहुत मुश्किल हो जाता है एक आम इंसान के लिए किसी भी चीज़ को इंतहाई बारीकी से सरंजाम देना, लेकिन प्रोफेशनल्स के लिए ये काम होता है बहुत ही आसान। तो चलिए देखते हैं कुछ बहुत ही सेटिस्फाइंग वीडियोस। सबसे पहले देखिए दोस्तों सेब के अंदर मौजूद इस नीडल को। आपको और मुझे शायद मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए होगा इस नीडल को इस सेब से बाहर निकालने के लिए, लेकिन प्रोफेशनल के लिए यह है बहुत आसान। एक हीटेड वायर से बड़ी आसानी के साथ एक तीर के पंखों को मोल्ड किया जाता है। इस क्लिप को देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस क्रेन के अंदर कौन बैठा है, और एयरफोर्स के सिपाहियों का बंदूक घुमाने का ये कर्तव्य भी बहुत कमाल है। इस बंदे को देखिए दोस्तों कितनी बारीकी के साथ कारपेट पर से मट्टी उठा रहा है। मुझे इसके लिए वैक्यूम क्लीनर चाहिए होगा। और रोड की साइडों पर बॉर्डर का निशान लगाने वाला ये बंदा दुनिया में शायद आपको कहीं ना मिले। बजरी गिराने वाले ट्रक का ये ड्राइवर एक परफेक्ट आदमी है। ये बंदा मशीन से ज्यादा प्रिसाइज कैलीग्राफी कर रहा है ना दोस्तों। और जब प्रोफेशनल अनानास के खेत से अनानास निकालते हैं तो यूं लगता है जैसे कोई मशीन काम कर रही हो, और अनलोड करने का कमाल तरीका कोई इस ड्राइवर से सीखे। डोनट्स होते तो बहुत डिलीशियस हैं, लेकिन बनते कैसे हैं जरा ये देखिए। ओ माय गॉड, मोबाइलों पर रखे हुए लाइटर को जलाने का इससे ज्यादा कमाल तरीका मैंने कभी नहीं देखा। तेज रफ्तार फॉर्मूला गाड़ियों का टायर बदलने का ये शाशका कैसा है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ग्राइंडर से इस तरह के डिजाइन बनाने में आपको कितना वक्त लगेगा? मुझे तो कम से कम 2 साल की प्रैक्टिस लगेगी। हैवी मशीनरी के ऑपरेटर्स अपनी जात में छोटे छोटे सुपर हीरोज होते हैं, है ना दोस्तों। पटाखों पर पटास लगाने का तरीका देखिए दोस्तों, और कारपेट को साफ करने का ऐसा कमाल तरीका तो कोई ईरानी ही कर सकता है। ओ माय गॉड, तो मोमो ऐसे बनते हैं? अरे वाह, किसी की खिड़की और किसी के घर की दीवारों से कैसे जाड़े उतारे जाते हैं जरा ये देखिए। और ट्रेडमिल की तरह ट्रक से सामान अनलोड करना भी बहुत ही कमाल प्रोफेशन होता है। आई बेट के इस बंदे का वजन कभी नहीं बढ़ेगा। अरे वाह, स्विमिंग पूल को साफ करना और काई को खत्म करना कोई इस बंदे से सीखे। छत को वाटर प्रूफ करने का कमाल हुनर, क्या कमाल प्रोफेशनल है ये। ले भैया, मौसमियों के साथ बटरफ्लाई इफेक्ट कॉज करने वाला अमरीकी भी देख लीजिए। और दोस्तों पसलियों पर से गोश्त उतारने का ये तरीका हर पाकिस्तानी कसाई को सिखाना चाहिए। और टीम वर्क की इससे बेहतर मिसाल अगर आपके पास है तो मुझे जरूर दीजिएगा। अरे वाह, कारपेट फ्लोरिंग का इससे कमाल बंदा मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आपने देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अरे इसने एक मर्तबा भी नहीं देखा कि ये क्या पैक कर रहा है। अरे वाह, कमाल है जट साहब। अरे कैसा कमाल कारपेंटर है, टिम्बर का शाहकार। और दोस्तों बिल्कुल कंप्यूटराइज तरीके के साथ स्लैब के ऊपर मार्किंग करना देखिए दोस्तों। क्रेसेंट को इस तरीके से रोल करने के लिए आपको सालों की मेहनत और प्रिसीजन चाहिए। अरे वाह, स्पंज की मदद से प्लेट पर बनने वाले डिजाइन, सुभान अल्लाह। अरे वैक्यूम क्लीनर से भी बालू साफ किए जा सकते हैं, कमाल है। ओ माय गॉड, इतनी बारीकी से आखिर कौन पीसता है चीजें। अरे एक अमरूद को इस तरह कटता हुआ मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसने तो पूरी जाली तैयार कर ली इससे। ओ तो लूडो का दाना यूं बनता है, अबे भाई कभी काणा नहीं आना। और बड़ी बड़ी तारों को यूं जुदा किया जाता है, मुझे आज पता चला। अरे पेंट का ये काम बहुत ही सेटिस्फाइंग है, क्या बात है। पैकेजिंग की दुनिया के हरकुलिस को देखिए। अरे दरख्त के पूरे तने को कैसी प्रिसीजन से काट रहा है। वाटर बॉटल चैलेंज को एक नए लेवल पर ले जाने वाले ड्राइवर को देखिए। ओ शिट, अब तो मुझे सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने से पहले अच्छे से देखना पड़ेगा कहीं इसमें ईंटें तो नहीं माउंट हुई हुई। ले बाबा जी, एक मास्टर और उसके शागिर्द के दरमियान है मुकाबला कि कौन जल्दी से जल्दी इन कैंडीज को क्रैश करता है। जब कभी रोड पर हो जाए ट्रैफिक ज्यादा तो इस तरह की मशीनों से रोड को खुला किया जाता है। कोई इन्हें इमरान खान के घर के बाहर का रास्ता बताए भाई। ताश के पत्तों के पूरे डेक को इतनी प्रिसीजन और जल्दी के साथ पैक करना भी एक बहुत ही कमाल का हुनर है। ओ तो इंग्लैंड में छतें यूं साफ की जाती हैं। ओ तो ये बंदा है पिज्जा मैन, कितनी कमाल तेजी के साथ पिज्जा बना रहा है। अरे वाह, इतनी तेज कटिंग तो आज तक किसी की एक्स ने भी नहीं की होगी। सुपर फास्ट हैंड का अवार्ड इस रूफर को दिया जाना चाहिए। और कीलों को अगर आपने अलाइन करना है तो आपको चाहिए सिर्फ 2 बड़े बड़े मकना 30 और 1 प्रोफेशनल। ओह शिट,
रियल लाइफ कैप्टन अमेरिका देखिए, हेलीकॉप्टर को उतारने का ये तो बहुत ही धांसू तरीका है। अरे वाह भैया, देखिए लोड और अनलोड करने का तरीका तो सिर्फ इन ट्रकर्स को आता है। पेपर मिशे का शाहकार चेक कीजिए, इसने तो पूरा चांद ही बना दिया। ओ माय गॉड, इस रिस्की आर्टिस्ट की जानिब से कुछ मैड स्किल्स हैं। भाई वाह, सिर्फ ऊपर से देखी जा सकती हैं ये। अच्छा, तो एक नट से अगर आपने ताला बनाना है तो उसका है ये प्रोसेस। ओके, जरा ये देखिए लॉक खोलने का सेटिस्फैक्टरी तरीका। अगर आपके पास काफी सारी घड़ियां हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते तो उन पर एपॉक्सी रेजिन डालिए और फिर देखिए एक ऐसा शाहकार जो आपको कभी लेट नहीं होने देगा। अरे भाई वाह, आर्टिस्ट तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने तरबूज को भी नहीं छोड़ा। अरे भाई, ये बंदा क्या कर रहा है, इतनी तेजी से केचप कौन डालता है भाई। अरे वाह, ये औरत तो दज्जाल की भी मां निकली, उसकी तो होंगी 3 आंखें, इसकी तो 20 हैं। और ये देखिए दोस्तों, अपने लॉन को मो करने का सबसे परफेक्ट तरीका। अरे वाह, स्नो पर स्की करने वालों का टैलेंट तो एक तरफ, लेकिन कैमरामैन भी प्रो है दोस्तों। और क्रिसमस ट्री पर लगने वाले छोटे छोटे बॉल्स को कुछ यूं तैयार किया जाता है, यूं लगता है कि ग्लास को ब्लो करने वाले इस बंदे के गाल फट जाएंगे। अरे वाह, आईने के ऊपर से जब प्रोटेक्टिव लेयर उतारी जाती है तो नया आईना कुछ ऐसा दिखता है। अरे कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये जंबो डोनट्स, पाकिस्तान में तो खैर नहीं मिलते लेकिन हैं बड़े खूबसूरत। ओके, और बहुत बड़े बड़े नेट्स को इस्तेमाल करते हुए ज्यादा सारी मछलियां पकड़ने का ये तरीका तो मुझे लगता है शायद कौमे लूत का है। इसे निकालने के फौरी बाद फ्रीज कर दिया जाता है। पानी पर अगर आइलैंड बसाना हो तो देखिए जरा इस बंदे को। और पिज्जा लवर्स के लिए है ये क्लिप, दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा मुलाहिजा कीजिए। और सपोर्टिंग वर्क एनवायरनमेंट कुछ ऐसा दिखता है, दीवार पर से अगर आपने पत्ते उतारने हैं तो इस बंदे से क्लासेस लेना सीखिए। और इस प्रो गटरमैन को देखिए दोस्तों, पूरे मोहल्ले का पानी सिर्फ अपने घर के वाइपर से ही निकाल दिया। और इंडियन स्टाइल के अंदर नारियल इकट्ठे करने का प्रोसेस देखिए, ऐसे बारटेंडर भी आपको कहां मिलेंगे। अंडों के इस तरह के शेफ आपने शायद कभी ना देखे हो। अरे वाह, इस तरह के तलते हुए बड़े बड़े मोमोस मैंने तो नहीं देखे, इंडिया जाएंगे कभी तो देखेंगे। और ये देखिए अमेजिंग स्किल एक आर्टिस्ट की, नहीं असल नहीं है दोस्तों बल्कि कंप्यूटराइज्ड है। और किताबों से एक इंचांटेड फॉरेस्ट बनाने वाला कमाल तख्लीकार, एपॉक्सी रेजिन से एक पूरी कायनात बनाने वाला आर्टिस्ट। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में भी ऐसी मेज हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अपने बालों से अगर आप मास्टरपीस बनवाना चाहते हैं तो इस बंदे का एड्रेस मालूम कीजिए। एनिमेशन की दुनिया का जयकांत शिगरे अगर देखना है तो ये क्लिप देखिए। और अगर आपने आज तक नहीं देखे वो आर्टिस्ट जो गॉडज़िला और किंग कॉन्ग के फैंस हैं तो आपको ये क्लिप तो देखना ही होगा। और बाप की बेटे के लिए मोहब्बत चेक कीजिए, बेटे को BMW पसंद थी तो बाप ने लकड़ी की BMW बना दी। और अगर आपने देखना हो टैलेंट जो कि सुस्ती को मार भगाए तो जरा ये क्लिप देखिए, छोटे छोटे टाइल्स क्यों लगाएं जब आप ये काम कर सकते हैं। और टाइलों पर ऐसे डिजाइन कोई शाहकार आर्टिस्ट ही बना सकता है। बहुत बड़े स्केल पर लोहे से तैयार करदा मुख्तलिफ पार्ट्स बनाने का प्रोसेस कुछ ऐसा दिखता है। और वॉल को बहुत तेजी के साथ और प्रिसीजन के साथ स्किम करने का तरीका देखिए। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।